रेस 2017 मिशन गुजरात। जी हां, गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 38 दिनों में पांचवी बार पहुंचे हैं। गुजरात पर सरकार काफी मेहरबान है और तोहफों की बौछार कर रही है। हम आपको बता दें कि यहां पर अब कांटे की लड़ाई की उम्मीद की जा रही है। वंशवाद का मुद्दा एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने छेड़ा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वापी से लेकर के कच्छ के मांडवी तक, गुजरात के समुद्री तट पर विकास पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारी सारी इंडस्ट्रीज को पर्यावरण के नाम पर ताले लगाने की धमकियां दी गई थी। मैं जानता हूं कितनी कठिनाइयों से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने में सफलता पाई थी, लेकिन जब दिल्ली में आप सबने मुझे सेवा करने का मौका दिया, एक के बाद एक समस्याएं सुलगती गई। अब की बार गुजरात के अंदर गरीबों पिछड़ों की आवाज है। तीन युवा निकले हैं जो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह बन के निकले हैं, तो तीनों मिलकर कुछ करेंगे, बदलाव आएगा। आने वाली 17 की सरकार 125 प्लस होगा, सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ईमानदार सरकार बनेगी, गरीबों और पिछड़ों के हक और अधिकार को देने वाली सरकार बनेगी। आंदोलन समाज का था, अभी समाज के लोग डिसाइड करेंगे कि आंदोलन ओबीसी आरक्षण का था, कांग्रेस पक्ष ओबीसी आरक्षण दे नहीं रही, तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि समाज समाज के हित की बात करेगा और समाज की राजनीति प्रतिष्ठा जिसमें उसी पक्ष में जाएगा। इसको कैसे कह सकते हो, आपने जान बूझ करके कोई गुजरात के किसी विशेष प्रोजेक्ट को रोड़ा रखा हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे भी कई प्रोजेक्ट में डिले हुआ, पर पर्यावरण भी अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो मोदी जी इतने समझदार होकर के भी ऐसी बातें बोलते तो मुझे बहुत दुख होता है। एक तरफ वंशवाद में पली बड़ी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, पार्टियां हैं, दूसरी तरफ आदर्शों और विचारों को लेकर की पार्टियां हैं। तो अभी आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद की बात कर रहे थे, आदर्शवाद की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाया है कि विकास को रोकने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बीजेपी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी सीएम पद का चेहरा नहीं है, जबकि सबसे बड़ा चेहरा अगर बीजेपी का गुजरात में कोई था तो वो नरेंद्र मोदी थे, इस बार वो नहीं है। तो ऐसे में चुनौती बीजेपी के लिए क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? अगर कांग्रेस की बात की जाए, 22 साल से सत्ता से बाहर है, जी तोड़ कोशिश कर रही है वापसी की। इस बार थोड़ी सी आस जगी है कांग्रेस के लिए, इसलिए क्योंकि अल्पेश ठाकुर का साथ उनको मिला है, लेकिन क्या वो नैया पार करा पाएंगे कांग्रेस की? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका परिचय कराते हैं। राजीव जेटली, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, बहुत स्वागत है सर। मोहम्मद अली खान, कांग्रेस से, और अनिल आनंद जी हमारे साथ, न्यूट्रल वॉइस, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुरुआत राजीव जी आपसे करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात के और तोहफों की बौछार कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। 38 दिनों की बात करें तो 5 दौरे उन्होंने गुजरात के किए हैं, सिर्फ अक्टूबर में 3 बार आए हैं और हजारों करोड़ की सौगात उन्होंने दी है। ये थोड़ा सा डर है क्या बीजेपी के इस बार कांग्रेस से कुछ खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि आपने ये बात रखी कि सौगात दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? आने वाले वक्त के लिए दे रहे हैं। और जो वक्त बीत चुका है 2012 से, जो स्वप्न उन्होंने लिया था, जो स्वप्न स्वप्न ही बनकर रहता अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सवाल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ठीक है, अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये पता है 18 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उससे पहले डेट तो अनाउंस होगी। ऐसे में इस समय इतनी सारी परियोजनाओं की घोषणा, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, ठीक है बुलेट ट्रेन पुराना मसला है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे परियोजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है, तो इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता था कि केवल ऐलान नहीं किया, आज उद्घाटन भी किया है।
उद्घाटन किस बात का किया है जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया है, जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों से जूझ कर दिखाया है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि अगर यही प्रोजेक्ट किसी और के पास होता, मैं अभी नाम बाद में लेंगे इस बारे में, अगर यही प्रोजेक्ट किसी और के पास होता तो शायद उनका प्रोजेक्ट कब का पास हो चुका होता, क्योंकि एक सरकार का प्रोजेक्ट था, गुजरात सरकार का प्रोजेक्ट था, माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त के वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर्यावरण की बात उन्होंने कही। पर्यावरण में ठीक है किसी प्राइवेट आदमी को, किसी व्यक्ति विशेष को तो एक नटराजन टैक्स देकर मिल जाते होंगे अप्रूवल, लेकिन एक सरकार को अप्रूवल नहीं मिली जिस सरकार ने यह बात रखी कि एक भाग को जोड़ना है, एक दो दो जगहों को गुजरात में जोड़ना है, गुजरात की जनता की जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम करना है। डेढ़ साल में करीब एक दर्जन गुजरात का दौरा, अक्टूबर में तीसरा दौरा, अगर 38 दिनों की बात करें तो पांचवां दौरा। गुजरात अचानक से प्रधानमंत्री का प्रिय हो गया, ठीक है गृह राज्य है उनका, लेकिन अचानक से ऐसा लगता है बहुत प्रिय हो गया। नहीं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से गुजरात की जनता और गुजरातियों के साथ प्यार रहा है, ये किसी से अछूता नहीं रहा। गुजरात की जनता ने लगभग 12 साल तक अपना सारा मैंडेट उन्हें दिया, दूसरी राजनीतिक दल तो पूरी तरह से उनका सफाया हो गया था, खत्म हो गई थी मैं ये कहूंगा। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आप ये कहते हैं कि उनका दौरा क्यों फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है, पीछे आप जाके देखिए जैपनीज प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो भी वहीं पर आते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं, जब बिजनेस समिट होते हैं तो गुजरात में होते हैं, अट्रैक्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट को वहां पर, और वही गुजरात की कंपनियां पूरे देश में, इसीलिए तो सवाल हो रहा है नौकरियां देने के लिए। राजीव जी, इसीलिए तो सवाल हो रहा है कि अगर कोई समिट हो रहा है वो भी गुजरात में ही हो रहा है, अगर जापान के प्रधानमंत्री आते हैं वो भी गुजरात में ही आते हैं, उनका स्वागत वहीं पर होता है। लेकिन मोहम्मद अली खान, आपसे जानना चाहेंगे इस बार कांग्रेस को क्या उम्मीद लग रही है, क्या उसको लगता है कि इस बार वापसी के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, हमें गुजरात की जनता पे भरोसा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने शुरुआत में एक बड़ी सही बात कही, 1995 से भाजपा की सरकारें रही हैं गुजरात में, सिवाय एक 18 महीने के पीरियड को छोड़ के। तो जब कोई सरकार इतने लंबे समय के लिए राज करती है किसी स्टेट गवर्नमेंट पे, तो उसके लिए कहना उचित नहीं होता कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटियाँ थी और वो थे रस्ते आपके ये करने के। आप चाहते तो मेट्रो बनवा सकते थे, ये जो एयरपोर्ट्स के आप अब ऐलान कर रहे हैं जाके, या पिछले 20 साल में आपको क्या रोक रहा था करने से? दूसरी बात, अभी सुरेश मेहता जी जो इनके पूर्व चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के, बीजेपी के होते थे, उनका बयान आया परसों को, वो बोले कि गुजरात मॉडल एक मिथ्या है, वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि वो 2,00,000 करोड़ कर्जे में आ गया है स्टेट पिछले कई सालों में। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस दो जगहों से आपको ताकतवर दिख रही है, एक जितने भी जमीनी नेता हैं, जितने अलग अलग दल हैं, चाहे वो ठाकुरों के दल हो चाहे वो पाटीदारों के दल हो, वो खुद ब खुद कांग्रेस की तरफ ग्रेविटेट करें, कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ठाकुर का ये आपने मसला छेड़ा, तो उसी पर आपसे एक सवाल करेंगे। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं जब चर्चा की शुरुआत करी थी तो मैंने कहा उद्घाटन भी कर रहे हैं, उद्घाटन का मतलब जो पिछला काम करके गए थे उसको भी आज आपको देखने को मिला। लेकिन एक सबसे इंपोर्टेंट बात, सबसे इंपोर्टेंट देखिए, आज एक प्रश्न उठता है कि गुजरात में जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाएगी तो जो देश में मैनिफेस्टो बनाती है उससे कितना अलग होगा। देश में जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाती है तो उसकी मुख्य बिंदु जो होते हैं वो केवल ये होते हैं कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। जो कांग्रेस शासित राज्य होते हैं वहां बिजली नहीं होती है। तो अब ये मैनिफेस्टो गुजरात में जब बनाएंगे तो क्या उसी को कॉपी पेस्ट करके लेके जाएंगे? राजीव जी, ये छोड़िए ना, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अपना बनाएंगे घोषणा पत्र, जब उसमें जो उनको देना है वो देंगे, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? सबसे पिछड़े, लेकिन आपने अल्पेश, आपने ठाकुर समाज की बात छेड़ी, आपने ठाकुर समाज की बात छेड़ी है, अल्पेश ठाकुर का समर्थन आपको मिला है और उन्होंने ऐलान भी किया कि कल जो एक महारैली होने वाली है अहमदाबाद में, उनका दावा है कि कम से कम 5,00,000 लोग उसमें शामिल होंगे, उसमें वो ऐलान करेंगे कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद से आपको लगता है कि कांग्रेस जिसको कि हाशिए पे माना जा रहा था गुजरात में, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ताकत मिल रही है? ब्रजेश जी, आपके चैनल ने हमारे तीनों जो नेता वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे शक्ति सिंह गोहिल हो, अर्जुन मोटवाड़ी जी हो, सोलंकी साहब उनके बेटे हो, ये सब लोग जमीन पे लगे हुए हैं और आप देखते जा रहे हैं दिन ब दिन कांग्रेस आपको और मजबूत होती हुई दिख रही है। ठाकुर साहब का आना यहाँ पे इस बात को दर्शाता है कि उन्हें कांग्रेस की कैंपेन में, कांग्रेस के मैसेज में एक रिन्यूड ताजगी और ताकत दिख रही है। मैं दूसरी बात बोलूंगा, जेटली साहब हमारे घोषणा पत्र की बात करते हैं, इन्हें मैं बता दूं पिछले हफ्ते इन्हीं के राज्य में गुजरात में किसानों ने एक आंदोलन निकाला था, क्योंकि कर्जा माफी तो दूर की बात,
वो इंटरेस्ट माफ करने तक पे राजी नहीं है किसानों के। जब आपसे इतने सारे सेगमेंट्स आपकी पॉपुलेशन के आपसे नाराज हैं, तो आपको आके उद्घाटन करना, ये झूठे झूठे जुमलों की बारिश करना, ये उचित नहीं है। और जनता ये देख चुकी है और खत्म हो चुकी है। एक बड़ा बड़ा दिलचस्प सी बात है, वो बाई चांस वो आंकड़ा एक जैसा हो गया। ग्रामीण विकास के लिए लगभग 270,000 करोड़। अब जब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास के लिए, तो ऐसे ही कुछ फिगर एक और याद आती है हमें, 270,000 करोड़। वो मेरे को लगता है मोहम्मद साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, वो किसी और बात से जुड़ी होती है, वो 2G से जुड़ जाती है। तो एक तरफ पूरे देश के ग्रामीण विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ 270,000 करोड़ की बात करते तो वही हैं। अगर 270,000 करोड़ तो मैं भी पूछ सकता हूं, आपने जो आपने घोटालों के रूप में खाया, अगर वो ग्रामीण विकास के लिए जानना चाहते हैं, उन्हें भी सिखा दीजिए 50,000 रुपए को 80 करोड़ कैसे बनाया जाता है। पूरी देश की जनता की बात रिकॉग्नाइज करती है, 70,000 तो था मगर विकास सिर्फ किसी का हुआ। इसलिए तो जनता ने स्लोगन बनाया, विकास जानो थायो छे, विकास पागल हो गया है। ठीक है, ठीक है, और इसका श्रेय हम लेना चाहे भी नहीं ले सकती। ऑर्गेनिक स्लोगन था, वहां की जनता ने अपने सामने पेश किया। ठीक है मोहम्मद अली खान, राजीव जी आपने अपनी अपनी बात रखी, अनिल आनंद जी हमारे साथ न्यूट्रल वॉइस है। अनिल जी ये बताइए, जो सवाल था पहले कि क्या बीजेपी में इस बार बेचैनी है, उनके पास कई सारी चीजें हैं, एक तो फेस नहीं है नरेंद्र मोदी, जग जाहिर है कि वो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय चेहरा है, ऐसा कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो पटेल समुदाय में नाराजगी, दलितों में नाराजगी, ओबीसी में नाराजगी, कुछ कारोबारी का एक वर्ग है वो भी नाराज था जीएसटी और नोटबंदी के बाद। आपको लगता है कि ये डर है बीजेपी के अंदर? देखिए डर जाहिर है, लेकिन मैं एक पहली बात जो आपने पूछे चेहरे की, मेरा ये मानना है कि गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई चेहरा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुजरात के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब से प्रधानमंत्री बने गुजरात उनके दिल में है, उनके स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं हमने पिछले दशकों में देखा है, आपने आपको लगता नहीं अनिल जी की जब वो वडोदरा और वाराणसी दोनों जगह से खड़े हुए, दोनों जगह से जीते, उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी, वो वाराणसी से ही आप खुद को सांसद बताते हैं बल्कि, ऐसे में वडोदरा या गुजरात के लोगों को लगता नहीं कि एक डिस्कनेक्ट उनके साथ हुआ है, उन्होंने वडोदरा को छोड़ दिया? मुझे नहीं लगता कि वो कर पाए। उस वक्त माहौल ऐसा था, ऑरा इतना था मोदी जी का, उस वक्त वो फैसला मोदी जी का था, वो सेंटर स्टेज में आना चाहते थे, कुछ हद तक सेंटर स्टेज में आए भी, उसका असर हमको यूपी के चुनाव में भी दिखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो गुजरात को अपने दिल में से नहीं निकाल पाए। जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनके सियासी विरोधी कहते हैं कि 31% वोट लेके आए हैं, तो 31% भी आपको अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मिले हैं। आप केवल गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है। एक ही एग्जाम्पल पुरानी है देवेगौड़ा साहब की, देवेगौड़ा साहब बहुत माइनॉरिटी प्रधानमंत्री थे, वो दिल्ली में अपने आपको जैसे जैसे मछली पानी से बाहर आपने अपने आप को महसूस करती, वो पलक झपकते ही वो बैंगलोर पहुंच जाते थे। अदरवाइज आप इन्हीं के नेता को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे याद है हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे उस वक्त, उसके थोड़ी बात की बात है, 70 के दशक या 80 के, भोपाल में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, तो किसी एक हेडलाइन बना, किसी ने उनको करार दिया अखिल भारतीय वाजपेयी। तो कहीं ना कहीं आप जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुजरात तो आपका है ही, वो एक तो वही चेहरे, वही चेहरे, चेहरे वाला जो फैक्टर है वो वही बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। पूछ रहे हैं वही सवाल उनके विरोधियों को आनन-फानन में, उनको भी एक चेहरे वाली बात आपने कह दी, लेकिन उसके बाद जो मुद्दे हैं, जो असंतोष है कुछ वर्गों में, उसको लेकर आपको नहीं लगता है कुछ चिंता है? वो चैलेंज मोदी जी से ज्यादा कांग्रेस को है। अच्छा। आप एक बात माने, आपने अभी कहा कि कांग्रेस हाशिए पे चलेगी, हाशिए पे जरूर चलेगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, फिर भी बहुत जितनी हालत खराब थी उतनी कम सीटें कभी नहीं आई, परसेंटेज ऑफ वोट्स में बहुत कम डिफरेंस रहा, 5-7% या कई बार 10% हो गया, पिछले 4-9% से 9%। चैलेंज दो तरफा है कांग्रेस के लिए, एक तो क्या उन सबको वाकई अपने साथ ला पाएंगे, दूसरा अगर ला पाएंगे तो तीन युवा नेता वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, उन लोगों ने एजिटेशन की है और ये स्वाभाविक है, प्रजातंत्र में एजिटेशन से ही नेता, यंग नेता बनते हैं। क्या वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपने अपने बेस को साथ ले पाएंगे, ये चुनौतियां दो कांग्रेस के सामने हैं। जी तो ये अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूती मिलेगी? जाहिर है, एक टॉकिंग पॉइंट बनता है, एक बस बनता है, आजकल बस का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, जब तक बस ना बनेगा तो खबर नहीं बनेगी, और फिर उन लोगों में वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं, मैं ये आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना सबको स्वीप कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो रहेगा जरूर। जी जेटली जी, आपको भी लगता है कि ये बड़ी चुनौती होगी? अगर जिग्नेश मेवानी की बात करें, अल्पेश ठाकुर की बात करें और हार्दिक पटेल की बात करें, अगर ये तीनों समर्थन दे देते हैं कांग्रेस को, तो आपको लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है?
देखिए, जब समाज होता है वो समाज बहुत सारी चीजें निर्धारित करता है, और जब समाज होता है वो कई बार ऐसा सोचता है कि शायद हमारे हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जब उस समाज में तथाकथित लीडर किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ के राजनीतिक भाषा बोलते हैं तो समाज को भी समझ आता है कि ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा था, किसी राजनीतिक दल की शह पर ये इस तरीके का उपद्रव किया जा रहा था, और वो उपद्रव जिसकी छह पर किया जा रहा था वो अब सबके सामने जग जाहिर है। आपके ऊपर भी कहा जा रहा है कि आपने वरुण और रेशमा को तोड़ लिया जो हार्दिक पटेल के बहुत ही क्लोज आज थे। आज उन्हीं की अपनी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने ये कहा कि ये एजेंडा, ये जो एजिटेशन किया जा रहा था, अगर इस एजेंडा और एजिटेशन को ध्यान से देखा जाए तो ओबीसी की, लेट्स से ओबीसी की मांग की बात कर रहे हैं, ओबीसी का आयोग को संविधान किसने दिया, संवैधानिक तौर पर मान्यता किसने बात रखी, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने तो अभी तक कोई बात नहीं रखी ओबीसी के वर्ग के बारे में, और उनको ये मालूम है कि ये जो एजेंडा था, ये जो ये शोर मचाया जा रहा था, ये कांग्रेस और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल हैं जो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे, डेड हो चुके थे, उन्हें कोई ना कोई एक मोहरा चाहिए था लोगों को बरगलाने का, लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार जनता है, कोने में रहने वाला एक एक सरपंच जानता है कि मेरी जरूरत क्या है, मेरी जरूरत को अगर पूरा किया तो किसने किया, अरे वो देखिए बंजर जमीन, उस बंजर जमीन को याद कीजिए जहां पर टाटा का प्लांट लगा था, जहां ये लोग एजिटेशन करने के लिए गए थे, ये लोग एजिटेशन करने गए थे, उनकी नौकरियां छीनने के लिए। 2015 की बताते हैं आपको राजीव जेटली की, कांग्रेस ने अच्छी वापसी की है, पंचायत स्तर की अगर आप बात करें तो उसने बहुत अच्छी वापसी की है, अगर ताल्लुक लेवल पर आप बात करें तो कांग्रेस ने अच्छी वापसी की है, ये मतलब ग्राउंड लेवल की बात है, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो ग्राउंड लेवल पर काम है वहां पर अच्छा कर रही है, इसलिए आपके लिए चुनौती बढ़ जाती है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जब आप पंचायत लेवल की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता कांग्रेस की वापसी आप किसे कह रहे हैं, मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग महाराष्ट्र की जब बात आती है तो कांग्रेस की स्टेटमेंट अलग हो जाती है, गुजरात की बात आती है तो कांग्रेस की स्टेटमेंट अलग हो जाती है, पंचायती चुनावों की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, तो पंचायती चुनावों में एक जनता एक ग्रामीण स्तर पर व्यक्ति किसी व्यक्ति को चुनता है, वो हो सकता है कि बाद में किसी से प्रभावित हो जाते हो, लेकिन अगर हम बात कहते हैं तो दोनों जगह एक ही बात करेंगे, गुजरात में भी एक बात करेंगे और महाराष्ट्र में भी एक बात करेंगे, अगर आप कहते हैं कि गुजरात में कोई आपने कहा कि उपलब्धि मिली है तो इसका मतलब महाराष्ट्र में इनका सुपड़ा साफ हो गया, महाराष्ट्र की स्टेटमेंट को अगर उठाकर गुजरात पर लगाएंगे तो इसका मतलब कांग्रेस वहां पर भी नहीं कहीं पर एग्जिस्ट करती है, आपने बात की जमीनी स्तर पर, मैं बार बार आपसे कहता हूँ जनता बड़ी अकलमंद है, एक इब्राहिम लिंकन करके मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप बताइए 2015 में आप भी सुनिए, 31 जिला पंचायतों में से 24 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, अगर हम तालुका पंचायत की बात करें तो 134 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, 46% वोट उसे मिले, बीजेपी को सिर्फ 67 सीटें मिली, 42.32%, यानी कि वोट शेयर भी जो है वो कांग्रेस का बढ़ा है। जी मैं यही जेटली साहब आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, और आपके नेता ये बात समझ रहे हैं, इसलिए एक घबराहट दिख रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाके आजकल वहां भाषण दे रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं, कांग्रेस भौंकती है विकास के नाम पे, एक तो मैं मानता हूँ ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नीचे करते हैं ऐसे स्टेटमेंट, दूसरी बात जेटली साहब आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, नहीं जेटली साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जयंती टैक्स लगता है, अरे आपको चुनौती देते हैं, अरे जेटली साहब हम तो चुनौती देते हैं आपको, आपको जो तहकीकात करानी है करा लीजिए, अब सुनिए मेरी बात, आपने जयंती नटराजन की बात की, आपने कहा जयंती टैक्स दिया जाता है, आपको याद है, मैं आपको याद दिला दूं 2015 में बिल्कुल से, आप एक काम कीजिए ना, 2015 में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के खिलाफ, अरे जी मुझे पता है, सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं उन्होंने चिट्ठी लिखी जयंती नटराजन ने, ये कहते हुए कांग्रेस से मैं जा रही हूं आपको समर्थन देते हुए, तो भैया आप तो उनके खिलाफ तहकीकात तो कराइए पहले, अगर आपको इतनी वो है आपत्ति तो आप जाए, मतलब आपके साथ है, मगर आप पता नहीं क्यों, मगर पता नहीं क्यों आप लोग 3 साल 6 महीने हो गए, मगर आपने किसी को पकड़ नहीं पाया, क्या तो आप इतिहास में सबसे कमजोर सरकार है, आपसे किसी को भी
लगता है आप ठीक है, चलिए चलिए आप अनिल आनंद करिए ना कुछ, अनिल आनंद जी की बारी एक बार फिर से, राजीव जी और मोहम्मद अली खान अपनी एक मिनट ठीक है ठीक है, फिर से बारी आ जाती है अनिल आनंद जी की, आप लोग बहुत बोल चुके। अनिल जी अब ये बताइए कि अगर हम एससी एसटी ओबीसी की बात करें जी, तो ये 54% से भी निकलकर करीब 60-70% के आसपास आता है, 54% हाँ ओबीसी खुद 54% है। ऐसे में आपको लगता है कि ये वो तबका है जिसको वाकई आकर्षित करने की कोशिश होगी दोनों पार्टियों की तरफ से, और जो इनको वाकई लुभा लेगा वो जीत हासिल करेगा। देखिए बीजेपी के सामने चैलेंज, मैंने कांग्रेस के चैलेंजेस तो आपको गिनवाए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त, उनको रिजर्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो एक लड़ाई उन्होंने की वो जारी है। क्या होता है कि जो भी सरकार में होता है कभी उनकी कंपल्शंस भी हो जाती हैं, आप एजिटेशंस हो रही हैं, आपको स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स यूज करने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के खिलाफ है इन तीनों सेगमेंट्स का, तीनों कम्युनिटीज का, जिनके ये तीन युवा नेता हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ, सुप्रेशन जो हुआ, वो किस तरह से उसको काबू कर पाएगी जी बीजेपी की लीडरशिप, क्या उनका गुस्सा ठंडा होगा, क्या उनका गुस्सा वोट में तब्दील होगा उनके खिलाफ, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल 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 सही आपने कहा है। और ये राजीव जेटली आप बताइए, गुस्सा आप शांत कर पाएंगे, पटेल रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया, आनंदीबेन पटेल की कुर्सी तक चली गई, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने हार्दिक का केस वापस ले लिया, वो ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उसने कहा मुझे मेरे पे देशद्रोह का केस किया तो विथड्रॉ क्यों किया। जिग्नेश की बात लेते हैं, जिग्नेश की बात करें वो नाराज है, आप लोग दलितों पर इतना अत्याचार होता रहा और उनकी शिकायत है कि आप लोगों ने कड़ी कार्रवाई नहीं की, अल्पेश ठाकुर की अपनी शिकायत है कि आप लोगों ने जो ओबीसी के लिए जो बातें की थी वो आपने उसका अमल नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। तो ये तीन जो बड़ा तबका है वो तीनों कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, कैसे मना पाएंगे? देखिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक अधिकार, ये तो कल्पना भी नहीं करते थे, वो कहां पर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब दूसरी बात, बिल्कुल अब दूसरा एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आपके, जब मैं बात बता देता हूं, मैं बात भी नहीं हुई थी तब से बंदी आ गई, पूरी बात बता देता हूं। अब क्योंकि आप कहते हैं जनता की नब्ज, कम से कम मीडिया चैनल पर हम ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि जनता की नब्ज क्या है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों से मेरी गुजरात में बात हुई, जो खासतौर पर पटेल है, उन्होंने बताई बात कि भाई हमारे जो आरक्षण का एजेंडा था वो ये एजेंडा नहीं था, वो माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो एक मुहिम चली थी अग्रेशन के साथ, और वो पीछे, उसके पीछे के लोग, मगर उसके पीछे के लोग कौन थे, वो आपको ठुकरा चुके हैं पाटीदार, आपके खिलाफ एक 22 साल के लड़के ने लाके, एक 22 साल के नेता ने लाके गुजरात को रुकवा दिया, आप लोग इतना घबरा गए, आपको मुकदमे करने पड़े, और जैसे अनिल जैन जी ने आपको वही मुकदमे वापस लेना पड़े, आपका कोई वजूद नहीं रहा है जेटली साहब, आप लोग खत्म हो चुके हैं, आप लोग यहाँ बैठ के चिल्ला सकते हैं, सो सकते हैं, विपक्ष आवाज दबाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर जनता आपकी पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी है, आपकी जुमलों की बारिश से तंग आ चुकी है, आपकी जहरीली राजनीति से तंग आ चुकी है, आप लोगों की कोई कामयाबी नहीं है, इसलिए तो आप विपक्ष पे अटैक करते हैं। केवल इतना बोलना चाहता हूं कि देखिए राहुल जी की बात आप कर रहे थे, मैं तो अभी तो डिस्कशन दूसरी चल रही थी कि राहुल जी को देखिए, इनकी पार्टी का एजेंडा देखिए, ये माथा टेकते हैं मंदिर में जाकर, और मुझे समझ नहीं आता आंखें बंद करके क्या बोलते होंगे, अरे भाई तेरे को तो हम मानते ही नहीं, अरे भाई ये राम के नेता बोलते हैं कि भैया ये कितनी ऊंची बात, आप अपने आप को शर्मिंदा करते हैं ऐसी बातें करके, आप हैं पाखंडी, आप लोग आपको किसी एक धर्म के ठेकेदार है, ये भारत है, हर धर्म इसी तरीके से हर धर्म के आदमी को हक है, अरे जेपी साहब छोड़िए, आप लोगों ने अंतर क्या बोला, राम और हनुमान में क्या अंतर होता है, आप जितनी जहरीली और ऊंची राजनीति करना चाहिए कर लीजिए जेपी साहब, आप लोग मजाक बन चुके, आप मजाक बन चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं, और आप जानते हैं कि आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री सब चिल्ला रहे हैं, ये सोचिए भैया जनता हमारी तरफ, दो मिनट देखिए हमारे इतिहास के साथ मिलने वाला है साहब, ठीक है ठीक है। अनिल जी ये बताइए मुझे कि इस बार प्रधानमंत्री ने हमेशा वो विकास की बात करते हैं, इस बार उन्होंने वंशवाद की बात एक बार फिर से छेड़ी है, ये इसके पीछे क्या वजह नहीं, ये भी मुतवातर कर रहे हैं वो, मुझे समझ नहीं आ रही कि, मुझे लगता है डेवलपमेंट पे और फोकस करना चाहिए था, और करना चाहिए, उनका यूएसपी वो है, उनका स्ट्रांग पॉइंट वो है, अगर गुजरात मॉडल की वो बात कर रहे हैं, आज तक वो दिल्ली में आके भी केवल गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मुझे मेरा मानना है कि 3 साल होते होते अब भारत मॉडल की बात करनी चाहिए थी उनको, कि उन्होंने एक भारत का मॉडल जो दिया, न्यू इंडिया की बात वो करते रहते हैं हमेशा, टीम इंडिया की भारत मॉडल की अभी तक बात नहीं हुई, कि एक मॉडल पेश किया है, इसकी कामयाबी ठीक है हुई है, बड़ी चीजें स्कीम्स आई है, कुछ कामयाब भी हुई है, कुछ कामयाबी की ओर चल रही है, कुछ फेल भी हुई है, कुछ पे डिबेट हो भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गुजरात मॉडल से निकल के आते तो उन पर प्रेशर कम होता,
आज गुजरात मॉडल को डिफेंड करने का प्रेशर भी प्रधानमंत्री पे है, और भारत के जो इश्यूज हैं वो अलग बात है कि जीएसटी है या कुछ है जिसपे विवाद हो रहा है, वो तो करना ही है उनको, क्योंकि सारे का सारा फोकस उन्हीं के ऊपर है जी। गुजरात मॉडल उन्हीं की देन है, इसलिए डिफेंड उन्हीं को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बार आप लोग मानते हैं कि चुनाव थोड़ा रोमांचक होगा? राजीव जेटली, देखिए मैंने पहले भी कहा, जैसे जेटली जी भी, इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी, वहां पे कांग्रेस का अपना एक वेस्ट बैंक इंटैक्ट रहा है कहीं कुछ हद तक, कुछ लोग गए हैं, वो मोदी जी एक बड़े स्ट्रांग पॉलिटिशियन पॉलिटिकल लीडर भी रहे और बड़े स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर भी थे, जाहिर है कुछ लोगों को फायदा भी होगा, डेवलपमेंट भी हुई होगी, बाय एंड लार्ज वो इंटैक्ट रहा है जी, एक करिश्मा जो है प्रधानमंत्री का। अगर ये तीन कम्युनिटीज जुड़ती हैं, कुछ ना कुछ असर उनका होता है, कुछ परसेंटेजेस आती हैं, तो जाहिर है मुकाबला टक्कर का होगा। एक मैग्नेटिक चार्म तो है प्रधानमंत्री का, यूपी चुनाव में देखा था कि आखिरी फेज में कैसे वो बनारस में रुके रहे, उन्होंने रोड शो किया और पूरा का पूरा ईस्टर्न यूपी का जो लेग ऑफ द इलेक्शन था वो बिल्कुल स्वीप कर दिया था उन्होंने। तो इस बार क्या गुजरात में भी कुछ ऐसा ही होगा? लेकिन फिलहाल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो यही मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस आश्वस्त है कि वो वापसी करेगी, और राजीव जेटली कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।